तलाक हमारे माशरे का एक बदनुमा दाग है और कोई भी वाली जो है अपनी बेटी के नाम के साथ ये लफ्ज़ नहीं लगने देता। जब ससुराल वाले बेटी को लेने के लिए जब ससुराल में आते हैं तो उसकी बेटी के तारीफ़ों के पुल जो है वो बांध दिए जाते हैं, और जब ससुराल में उसे ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उसके ऊपर इतने तोहमत लगाए जाते हैं और उसको किसी भी कोई किसी भी इल्ज़ाम में उसे घर से निकाल दिया जाता है। आज सेशन कोर्ट के अंदर एक अजीब किस्म का एक केस आया जिसकी फैमिली ने खातून को ये कहकर घर से निकाल दिया कि उसका कद जो है वो बहुत छोटा है। वो फैमिली जो है आज यहाँ सिविल जज की अदालत में मौजूद है। आए हम उस फैमिली से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे पास इस वक्त ये नसीम अख्तर जो है बैठी हैं, हम इनसे इनसे बात करते हैं। नसीम, ये बताइएगा कि आपको क्यों घर से निकाला गया? मेरा छोटा कद होने की वजह से मुझे हर वक्त ताने देते रहते थे, कह रहे थे कि तुम चलती फिरती और उठती बैठती अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारा कद छोटा है। मेरा कद छोटा होने की वजह से उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। पहले उन्होंने मेरा कद छोटा होने की वजह से मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश की, बाद में मेरे साथ में मुझे जहर दे ये आपके आपके वालिद जो है, आप ये बताइएगा कि आपने ससुराल वालों को कहा नहीं कि क्या सूरत हाल है? मैंने सर बहुत कोशिश की बलादरी के असाब से, दोस्तों के असाब से भी मेरी बेटी बस जाए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उन्हें मेरी बेटी बाहर निकाल दी। आपके वकील साहब भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बशार साहब, ये बताएं कि आपने जो है वो क्या अदालत में मौका अख्तियार किया है? हमने भी अदालत में बच्चों का खर्चा और इस नसीम अख्तर के खर्चे के लिए दावा दायर किया, और फिर जो कीमती सामान जहेज दिया गया उसकी वापसी लाखों रुपए का। देखें जी, कद इसका बच्ची का और उसका कद का मुझे पता चला तकरीबन 1.5-2 फुट का फर्क है। वो 1.5-2 फुट लंबा है आदमी से, जो कि शादी से पहले उसको नजर नहीं आया, शायद उसकी सामान जहेज पे नजर थी, अब उसको इसका कद छोटा लगना शुरू हो गया। तो इसीलिए आपने ये मुनफरद केस देखा, यहाँ ये केस जो है वो इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज भी बना हुआ है। यहाँ ये जो बच्ची बैठी हुई है जिसको इस बुनियाद पर निकाला गया कि ये छोटे कद की जो है वो बची है, लिहाजा ये इनकी ससुराल वालों को और ये को चाहिए कि ऐसे अफराद जो सिर्फ बच्चियों को ससुराल में ले जाकर उन पर गलत तोहमत लगाकर और उनको जो है वो निकाल घर से निकाल देते हैं, खुद उनको ये देख सोचना चाहिए कि उनकी अपनी बच्चियाँ भी उनकी दूसरों के घरों में जो है वो गई हुई हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42, सेशन कोर्ट।